यूपी के प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर ग्राम हरिहरपुर में ग्राम प्रधान सतीश चंद्र के द्वारा एक बैठक बुलाई गई और आपको बता दें कि उस बैठक में गांव के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान द्वारा लगातार लोगों की मदद एवं सराहनीय कार्य पहले भी किया जा रहा था और अब भी लोगों की भरपूर मदद उनके द्वारा की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रधान जी, आपके यहाँ का क्या मामला है ये बताइए। हमारे यहाँ बस ये रोड का मामला है। रोड में क्या मामला है? रोड का मामला है भाई, इसको हम लिख के दे दिए भागला जोशी के पास, जल निगम का, जल निगम का पाइप वाला ज्यादा दिक्कत है, उसी से रोड खराब भाई। भागला ये जल निगम से भाई, जब तक जेई करेगा नहीं तब तक हो नहीं पाएगा, इसकी पाइप पूरी भ्रष्ट हो जाएगी, पूरी खराब हो, पूरी पाइप निकलेगी, दूसरी पाइप डलेगी तभी हो पाएगा। आप क्या चाहते हैं भाई? हम चाहते हैं कि इसको कराया जाए, दुष्टीकरण फिर हमारा तो यही है ना, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को बड़ी समस्या हो रही है ना, मैंने यहाँ भाई बगल में स्कूल है, बच्चों के बाद काफ़ी दिक्कत हो रही है आने जाने में। अपना पर्चे ले, अपना पर्चे, सतीश चंद पटेल, ग्राम प्रधान हरिया। हमसे पब्लिक इसलिए खुश है, मैं इस समय वर्तमान प्रधान बना जरूर हूँ, प्रधान नहीं था उससे पहले मैं हर आदमियों को जो समस्या होती थी वहाँ मैं मौके पर पहुँच के उनका सुनता था, जो होता था मैं उनके सहयोग में खड़ा हो जाता था, हर दुख तकलीफ में मैं सहयोग देता था, इसलिए लोग अच्छाई या खराबी देखकर हमको चुने। अब तो मैं स्वयं प्रधान बन चुका हूँ, अब तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा उन लोगों की कितना सहयोग दे दूँ, कितना हमारा गाँव खुशहाल बन जाए, मैं उनको बहुत अच्छे ढंग से इस समय सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आगे के लिए क्या मतलब पब्लिक के क्या बारे में सोचे, जो पब्लिक आपसे बहुत पहले तो प्रधान आप थे नहीं, ठीक है, अब मौके पे है प्रधान, तो अब पब्लिक के लिए क्या सोचे? पब्लिक के लिए बहुत कुछ सोचे हैं सर, अभी सोचे तो इसलिए अभी तो आवास दे रहे हैं, इस समय जो सरकार से आवास मिल रही है, लाभ मिल रहा है, उन लोगों तक पहुँचा रहा हूँ मैं, और सरकार का जो योजना आ रहा है वो योजना मैं पहुँचा रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में वही है जो पात्र है उसको मैं दे रहा हूँ, जो गरीब भाई है जिसको चाहिए उनको मैं दे रहा हूँ। हमारा लक्ष्य यही है कि 5 साल के अंतराल में मैं चाहता हूँ हर घर घर हर आदमी तक पहुँचे, और मैं पहुँच रहा हूँ, अब पहुँचाने की मैंने ठानी है, हर आदमी तक पहुँचाऊँगा, ये मेरा उद्देश्य है। अपना परिचय, सतीश चंद्र पटेल, ग्राम प्रधान हरिहरपुर। सतीश जो है एक समृद्धशाली व्यक्ति नहीं थे गांव के, एक गरीब परिवार से उत्पन्न हुए, गरीब परिवार में गुजर बसर करते थे, और इनकी हमेशा प्रिय बोलते थे लोगों से, अच्छाई से ही मतलब ज़्यादा रखते थे, और गरीबों को दुख दर्द गरीब होने के नाते से गरीब ही की बातें ज़्यादा सुनते थे। गरीब इसलिए, गरीबता को क्या लक्षण होते हैं, क्या कैसे होते हैं, हर चीज़ें ये समझते हैं कि गरीब की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उसे भविष्य भूतकाल में भी ध्यान रखते थे, आज वर्तमान समय में भी ध्यान रख रहे हैं कि हमें गरीब की क्या भूख होती है, क्या आवश्यकता होती है, क्या कैसा होता है, इत्यादि चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हैं। आज भी वही प्रक्रिया अपने उसी पर आधारित हैं जैसे पूर्वज थे। नहीं, सतीश प्रधान जी, सतीश प्रधान जी एक झगड़ेलू हैं, एक सहनशील व्यक्ति हैं, अगर कोई गलत करता है तो उस सहनशीलता को बर्दाश्त करते हैं, उनकी मृदुवाणी है, हर चीज़ें उनमें शीलता है, गरीबों को कंधा कंधा मिलाकर हमेशा चलते हैं, दूसरे की बुराई को सुनते अच्छाइयों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनमें इस कारण से इलेक्शन धारियों उनसे पराजित हुए, हर चीज़ उनसे मात खा गए, और इनकी विजयश्री इनको मिली है। इनमें अनेक प्रकार से और गुण हैं, जो कि गुण आज भी किसी के अगर गांव में किसी प्रकार की अगर कमी दिखाई पड़ती है तो उसे तत्काल सुविधा मुहैया कराते हैं, और उनके दुख दर्दों में हमेशा हाथ बांटते हैं। हो गया बातें। अपना परिचय, मेरा परिचय रामनिवास आदिवासी, ग्राम हरिहरपुर, बलापुर इलाका।